अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबा और आप देख रहे हैं किचन विद सबा। आज मैं बना रही हूँ आलू। हाफ के जी मैंने आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने इस तरह से छिलका उतार के क्यूब्स में कट कर लिया है। 2 मैंने टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने रफली कट कर लिया है। 2 हरी मिर्च लिए हैं, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। कुछ स्पाइसेस लिए हैं, हाफ टी स्पून मैंने कड़ी पत्ता लिया है, हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून साबुत धनिया लिया, जिसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है, 1 टीस्पून करी पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर लिया है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा, 4 मोटी वाली लाल मिर्च ली है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम आलू फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई करेंगे हम तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट हो चुके हैं, आलू हमारे थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। आलू मैंने एक बाउल में निकाल लिए हैं। अब हम इसी ऑयल में टमाटर डाल देंगे और साथ ही ये सारे स्पाइसेस भी, और इन्हें अच्छे से भून लेंगे। मसाले को मैंने अच्छी तरह भून लिया है, अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे और इन्हें मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पांच से छह मिनट हम इसे दोबारा भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें भूनेंगे। हाफ कुक हो चुके थे हमारे आलू जब हमने फ्राई किया था आलू को। आलू को मैंने अच्छे से भून लिया था, अब मैंने इसमें हाफ कप पानी डाल दिया है। कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। आलू हमारे रेडी हो चुके हैं, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आलू हमारे रेडी हैं, थोड़ा सा इसमें मैं धनिया डाल दूंगी, हरी मिर्च, अगर आपको मेरी ये आलू बनाने की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।